चीज मेनिया है। चीज मेनिया तो इज लाइक जो चीज लवर है, आई वुड से कि वो जरूर ट्राई करें आके चीज मेनिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि हाइजीन बहुत है और आंटी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घर का खाना है। तो आप आए एक बार जरूर ट्राई करें, हम ट्राई करेंगे और कैमरामैन को भी ट्राई करेंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आंटी ये बताएं कि कितना टाइम हो गया रेस्टोरेंट खोले हुए? मुझे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 15 डेज हुए। मैंने 2 सितंबर को लॉन्च किया था ये। तो आंटी आप टीचर भी रह चुकी हैं, वजह क्या रही है रेस्टोरेंट खोलने? देखें, टीचर से रिटायरमेंट वॉज लाइक 25 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, और बस यानी कि मैं चाह रही थी कि कुछ चेंज आए लाइफ में। कुकिंग का शौक तो था ही, तो बस वो थोड़ा बस यानी कि समझे को तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं, बस आया जहन में कि चलो ये करके देखते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों से बात की, बेटे के साथ, बेटा भी जा रहा था, कुछ इस तरह की चीज़ हम कर लें, तो लाइक फैमिली सिटिंग हुई और हमने डिस्कस किया, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हम खोल लेते। तो विद इन से 15 डेज यानी मैंने 6 जून को रिटायरमेंट लेटर, मतलब मैंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद मैंने 15 जून को ये शॉप ली और मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। और फिर सेकंड टुक मी सम टाइम के ये सारा कुछ बने, और उसके बाद ये मुझे 2 सितंबर को मैंने इसको ओपन किया। मुझे बताएं कि टीचिंग एज अ टीचर रहने के बाद यहाँ आप आई हैं, आप तो कितना मुश्किल होता है कि रिटायरमेंट के बाद तो लोग आराम करते हैं, आप आगे फिर काम कर रही? एक्चुअली ये मेरे नेचर में नहीं है कि मैं आराम से बैठूँ, और ना ही मुझे फैमिली से इस तरह का है कि मम्मा आप बैठें। बैठना जो है वो लाइक इट्स नॉट माय नेचर। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो बस मैं बेसिकली मैं डॉक्टर भी हूँ, फिर मैंने टीचिंग लाइन में आई, टीचिंग से फिर अब रिटायर हुई, तो अब मैंने सोचा कि कुछ और थोड़ा डिफरेंट वेंचर किया जाए, तो मैंने कुकिंग का खोल दिया। हमारा पनीरी सैंडविच है, वेरी डिफरेंट आपको टेस्ट भी मिलेगा उसका, और उसकी मेकिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, ऑर्डिनरी सैंडविच की तरह नहीं है। इट्स गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और पिज़्ज़ा भी अच्छी क्वालिटी वाला, यानी हमारे मतलब इसमें स्टफिंग काफ़ी सारी दी हुई है, हमने चीज़ें बहुत सारी डाली हैं। टेक्स मैक्स है चिकन पैटी, उसके साथ जो हम वो मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई हुई है, नॉट लाइक नॉर्मल चिकन पैटी जो आपको बर्गर्स में मिलती है, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट इन्ग्रीडियंट के साथ बनी हुई है उसमें, वो भी हमारी बहुत अच्छी जा रही है। बाकी ये कि हमारे जो प्रीमियम बर्गर्स हैं उसमें आपका बीफ बीस्ट है, आपका जिग्नेटिक है। मेन्यू मेरा मैं कहूँगी कि बाकी फास्ट फूड शॉप से थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस के जो हम सॉसेस बनाते हैं, जो चीज़ें एक क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, सबसे जो अच्छी चीज़ें यानी हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो क्वालिटी वाइज नंबर वन है, यानी हर जगह से हम नहीं लेते, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और टेस्ट हमारा वाकई बहुत डिफरेंट है। मैं बल्कि आप लोगों को लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वो आएँ ज़रूर और ट्राई करें, और दे विल फाइंड द डिफरेंस जो दूसरे फास्ट फूड शॉप में होगी और जो यहाँ होगी उसमें हमारे पास वैरायटी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। कहने को ब्रोस्ट भी है हमारे पास, लेकिन जो आम ब्रोस्ट आप खाते हैं बाहर उससे बहुत डिफरेंट है।